नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। मैं हूं रवि। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथियों आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गाइज, कल की क्लास हम रेगुलर करते हैं। आप सभी को पता है कल हमने सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र के बारे में जाना कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और उसके बाद में साथियों हमने पांच क्वेश्चन किए थे। पांच क्वेश्चन में साथियों मैंने आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी दी थी। आज साथियों हम छठे क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन साथियों अब हम कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। गाइज, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं साथियों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है साथियों, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर साथियों उसका आंसर दो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा गया है और साथियों एसएससी में भी पूछा गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्न में से स्तनधारी किसका उदाहरण है। गाइज, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी है साथियों गुआनोटेलिक। बताइए गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक। देखिए, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर साथियों सजीवों को चार भागों में बांटा गया है। ये भाग है साथियों नंबर एक पर अमोनोटेलिक, नंबर दो पर आता है यूरियोटेलिक, नंबर तीन पर आता है यूरिकोटेलिक और नंबर चार पर आता है साथियों गुआनोटेलिक। क्या होता है साथियों अमोनोटेलिक, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, ऐसा सजीव जो उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक अमोनिया का उत्सर्जन करता हो, अमोनिया। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है साथियों, अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है साथियों मछली और भैया उभयचर, बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों यूरियोटेलिक की। साथियों, ऐसे सजीव जिनमें उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे सजीवों को क्या कहा जाता है साथियों, यूरियोटेलिक कहा जाता है। ये सर्वाधिक किसका उत्सर्जन करते हैं साथियों, यूरिया का। एग्जाम्पल क्या है साथियों, तो एग्जाम्पल भैया स्तनधारी है, बात क्लियर है। और देखिए साथियों, यूरिकोटेलिक की बात करते हैं। ऐसे सजीव साथियों जो उत्सर्जित पदार्थों में सर्वाधिक यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे सजीवों को साथियों कहा जाता है यूरिकोटेलिक। किसका सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। एग्जाम्पल है साथियों सरीसृप, जो रेंकर चलते हैं, जिसे आप रेप्टाइल्स कहते हो, और साथियों जितने भी पक्षी है वो सभी, बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों गुआनोटेलिक की, यानी कि ऐसे सजीव साथियों जो सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जी पदार्थों में किसका उत्सर्जन करते हैं, गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं साथियों, ऐसे सजीवों को कहा जाता है गुआनोटेलिक। किसका उत्सर्जन करते हैं, गुआनिन का। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है साथियों, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, एक है मकड़ी और एक है साथियों बिच्छू। ये बिच्छू साथियों लगभग लगभग आपसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, साथियों कि निम्न में से स्तनधारी किसका उदाहरण है, तो साथियों स्तनधारी किसका उदाहरण है, तो भैया स्तनधारी उदाहरण है यूरियोटेलिक का, क्योंकि यूरियोटेलिक ऐसे सजीव होते हैं साथियों जो उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि गाय भैंस घोड़ा बकरी हम, ये सभी साथियों सर्वाधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, बात क्लियर है। और ये किसका उदाहरण है, स्तनधारी इसका उदाहरण है भैया यूरियोटेलिक का। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आगे बढ़ सके। चले भैया आगे, ओके मिटा देता हूं।
देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो पढ़ लीजिए और साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले का साथियों पार्ट 1 जरूर देखिए आप, क्योंकि उस पार्ट 1 में मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया है कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और साथियों उत्सर्जन तंत्र के 5 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं साथियों जिनमें मैंने आपको 25 से 30 क्वेश्चनों की जानकारी दी है। वो 25 से 30 क्वेश्चन साथियों हर बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों इस चैप्टर का पूरा सारांश है साथियों वो 25-30 क्वेश्चन है जो मैंने पार्ट 1 में करवाए हैं, इसलिए वो पार्ट जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपसे एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, सबसे पहले किडनी, मूत्रवाहिका, मूत्रस्य, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर बी कहता है किडनी, मूत्रस्य, मूत्रवाहिका, मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर सी कहता है किडनी, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिका, मूत्रस्य। ऑप्शन नंबर डी कहता है किडनी, मूत्रवाहिका, मूत्रमार्ग और मूत्रस्य। सही क्रम कौन सा है साथियों, सही क्रम आपको बताना है। तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले साथियों मूत्र बनता है किडनी में, मूत्रवाहिकाओं की सहायता से साथियों मूत्रस्य में पहुंचता है, और जब मूत्रस्य साथियों भर जाता है कि अब इसकी क्षमता पूर्ण हो गई है, तब जाकर के साथियों मूत्रमार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाला जाता है। बात क्लियर है? देखिए डायग्राम की सहायता समझा देता हूं, इतना अच्छे से बन नहीं पाएगा पर कोशिश करते हैं। देखिए साथियों ये रही आपकी किडनी, ठीक है। किडनी में साथियों यूरिन बनता है, ये होती है साथियों मूत्र वाहिका, ऐसी वाहिका, ऐसी डक्ट, ऐसी नलिका जो साथियों मूत्र को मूत्रस्य तक पहुंचाती है। बात क्लियर है? किडनी से लेकर आती है और मूत्रस्य तक पहुंचाती है, वो होती है साथियों मूत्र वाहिका, मूत्रस्य। इस मूत्रस्य में साथियों आपका मूत्र जो है वो इकट्ठा होता है और लास्ट एंड फाइनल साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है साथियों, कौन? आपका यूरिन, आपका मूत्र। गाइज ये क्वेश्चन आपसे एनडीए में पूछा गया था। सबसे पहले किडनी में मूत्र बना, किडनी से साथियों मूत्रस्य तक कौन लेकर आए? मूत्रवाहिका लेकर आए। मूत्रवाहिका कहां लेके आई? मूत्रस्य में। मूत्रस्य से साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर निकल गया। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आगे के 2 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहना। लास्ट का क्वेश्चन तो साथियों आपको देखकर मजा आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है साथियों, हर बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेलवे में तो साथियों जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज का फर्क रहता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ सके। चले भैया आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किडनी का GFR मान क्या है। तो सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको GFR का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए GFR की फुल फॉर्म होती है साथियों ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये होता है साथियों GFR। बात क्लियर है? तो आपको बताना है साथियों किडनी का GFR मान क्या है। देखिए ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है सबसे पहले ये समझिए। गाइज सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस गाइज आपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी है, नेफ्रॉन की संरचना में साथियों ग्लोमेरुलस आता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं साथियों छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
ये छोटे छोटे छिद्र क्या करते हैं साथियों, आपके ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? आपके ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। बहुत सारे गुच्छे लगे हुए होते हैं साथियों ग्लोमेरुलस में, ये गुच्छे ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। तो जिस दर से साथियों आपका ये ग्लोमेरुलस है ना ब्लड को छानता है, उस दर को कहा जाता है साथियों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आपसे पूछी है कि साथियों जो नेफ्रॉन होता है, आपकी जो किडनी है, उस किडनी का जीएफआर मान क्या है, यानी कि किस दर से आपका ग्लोमेरुलस आपके ब्लड को छान रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना ये वाला। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, यानी कि साथियों 1 मिनट में 125 ml ब्लड को छानता है आपकी किडनी। सही है बात ये, या फिर 120 ml को छानती है, या फिर 115 ml को छानती है, या फिर 110 ml को छानती है साथियों प्रति मिनट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, यानी कि प्रत्येक मिनट में आपकी किडनी जो है साथियों वो 125 ml ब्लड को छान करके अलग कर देती है। यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलस है साथियों ये 125 ml ब्लड को प्रत्येक मिनट में छान करके अलग कर देता है। ये है साथियों इस क्वेश्चन की समझ। अगर आपसे एक दिनों का पूछा जाए साथियों तो याद रखना 180 लीटर प्रतिदिन आपकी जो किडनी है साथियों 180 लीटर ब्लड को छान करके अलग कर देती है साथियों प्रतिदिन। बोलो ये मान भी आपसे पूछा गया है, ये मान भी आपसे पूछा गया है। जीएफआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर क्या है ये भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके आगे चलते हैं, मिटा देता हूं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अक्सर शाखाएं आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है साथियों न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है भैया कार्डियोलॉजी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गाइज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किडनी के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में अध्ययन करते हैं। उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? नेफ्रोलॉजी। तो गाइज नेफ्रोलॉजी वह शाखा है जिसमें हम किडनी के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है इतनी? ओके ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट साथियों किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है। जो किडनी का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। न्यूरोलॉजी साथियों आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं गाइज उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजिस्ट आपके मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है साथियों उसे कहा जाता है। कार्डियोलॉजी की बात करें साथियों तो आपके हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। जैसे कि साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हीमेटोलॉजी, गाइस हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? सॉरी हीमेटोलॉजी साथियों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। और गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हिपेटोलॉजी, तो गाइज याद रखना हिपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरीके से साथियों जैसे कि दांतों के बारे में पूछ ले जाए कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो गाइज उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि भैया आपके आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो गाइज उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी शाखा कहा जाता है। इस तरीके से साथियों बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज है
मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जब आप चेकआउट करोगे साथियों तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। और देखिए, किडनी के बारे में जानते हैं साथियों, थोड़ी बहुत जानकारी। साथियों किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया ब्लड को छानना। फेफड़े क्या करते हैं साथियों? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करते हैं, ब्लड का शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं साथियों फेफड़े। लेकिन किडनी क्या करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, ब्लड को छानने का कार्य करती है साथियों आपकी किडनी। बात क्लियर है। किडनी का भार कितना होता है? गाइज, दो किडनी होती है, याद रखना। एक किडनी का भार होता है 170 ग्राम। दोनों किडनी की बात करें तो 17 दूनी 34, 340 ग्राम हो गया। अगर साथियों बच्चे की बात करें कि छोटे बच्चों में किडनी का भार कितना होता है, तो याद रखना साथियों, बच्चों में होता है साथियों 30 से 40 ग्राम, छोटे बच्चों में। इतनी बात क्लियर है। गाइज, इसका आकार कैसा होता है किडनी का? देखिए, सोयाबीन के समान होता है। सोयाबीन के समान कह दीजिए आप, या फिर साथियों राजमा के समान कह दीजिए। सोयाबीन के समान या फिर राजमा के समान होता है। रंग कैसा होता है साथियों? तो याद रखना, भूरे लाल रंग की होती है। बात क्लियर। आपकी किडनी जो होती है साथियों, वो पेक्टोरियल कैविटी में उपस्थित होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? बातें आपको समझ में आई जो मैंने बताई वो? ओके, अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। मिटा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जुड़े रहना। आशा करता हूं कि उत्सर्जन तंत्र के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पर साथियों हमने डिस्कस किया है। इसी तरीके से साथियों, नए चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज देखने के लिए या महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों कि अब आपको किस चैप्टर की एमसीक्यू देखनी है। बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा साथियों, इस चैप्टर की तरह। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण करता है? अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण साथियों नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? आपके ऑप्शन है साथियों ये पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस फिल्टर और संग्रहित नलिका। बताइए साथियों, ये तो आप सभी को पता होगा, जो चार ऑप्शन है साथियों, चारों ही ऑप्शन साथियों नेफ्रॉन के भाग है। बताइए किस किस का क्या क्या कार्य है। देखिए, जो पीसीटी होता है साथियों, यह आपका राइट आंसर होगा। ये गाइज अमीनो अम्ल और भैया ग्लूकोज का अवशोषण करता है। एच प्लस आयन त्याग देता है साथियों मूत्र में, जिससे ब्लड की जो सॉरी जिससे मूत्र की जो प्रकृति होती है साथियों वो अम्लीय हो जाती है, और मूत्र का पीएच मान होता है साथियों 6, जिससे कि मूत्र का जो प्रकृति है, मूत्र की जो प्रकृति है वो दुर्बल अम्लीय हो जाती है। कौन? पीसीटी। इतनी बात क्लियर है साथियों। पीसीटी में दो प्रकार की नलिका होती है, एक होती है अवरोही नली यानी कि उतरती हुई नली, और एक होती है आरोही नली यानी कि चंडती हुई नली, कुछ इस तरीके से होती है। और इन दोनों को साथियों एक साथ मिलाकर बोला जाता है हेनले का लोब। बात क्लियर है। तो जो उतरती हुई नली है साथियों, ये वाली, ये भैया पानी का पुनः अवशोषण करती है, पानी का पुनः अवशोषण करती है। एक बार तो साथियों आपके शरीर में पहले ही पानी का अवशोषण हो जाता है, और दोबारा साथियों यहाँ पर होता है साथियों अवरोही नली। बात क्लियर है। और साथियों ये जो आरोही नली है, ये भैया नमक का और साथियों कुछ मात्रा में आयन्स है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका अवशोषण करती है साथियों। कौन? आरोही नली। बात क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि पानी का पुनः अवशोषण कहाँ होता है साथियों, तो अवरोही नली में होता है, और नमक और कुछ आयन्स का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो आरोही नली में होता है।
अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो पीसीटी में होता है। डीसीटी में साथियों किसी भी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता, याद रखना। ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है साथियों, ये ब्लड को छानने का कार्य करता है, ब्लड को छानने का। जिस तरीके से साथियों हमारी छलनी होती है तो आटा छानते हैं, उसी तरीके से इसमें छोटे छोटे छिद्र लगे होते हैं साथियों बहुत सारे, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि किडनी का जीएफआर मान क्या होता है, वो ही वाला ये ग्लोमेरुलस है। संग्रहित नलिका जो होती है साथियों, इसमें क्या होता है, इस नलिका होती है जो साथियों मूत्र को एकत्रित करती है, मूत्र को एकत्रित करती है। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों उत्सर्जन तंत्र के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में साथियों चर्चा की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज आप वीडियो तो देख लेते हो यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पैसे थोड़े ना लग रहे हैं, कर दो यार, आपका ही छोटा भाई हो, छोटा भाई समझ कर ही कर लो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि अब साथियों क्लास नहीं हो पाएगी, दिवाली बाद ही हो पाएगी, तो लगभग 4 से 5 दिन की छुट्टी रहेगी। गाइज गाँव जा रहा हूँ, काम है, थोड़ा इश्यू भी रहेगा टाइम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।